Hello and welcome to our YouTube channel Rubal Solutions. Students, in this video we will check that a given integer is a palindrome or not. Palindrome kya hota hai? Pehle mujhe ye bataiye. Palindrome kya hota hai? Palindrome ek aisa word or number ya phrase hota hai jisko hum aage se padhein या पीछे से पढ़े वो सेम रहता है. जैसे 10801, इसको चाहे आप आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें ये सेम है. तो इस प्रोग्राम में हम एक इंटीजर डालेंगे और ये प्रोग्राम बताएगा क्या वो इंटीजर पैलिंड्रोम है. अभी हम सिर्फ इंटीजर के लिए कर रहे हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. द फर्स्ट स्टेप इज सेम, hash include schedule.h, then int main, then bracket start. अब हमने variables लिए हैं एक n ताकि user उसमें value डाले, एक लिया है reverse integer जिसको हम check करेंगे, एक लिया है remainder और एक लिया है original integer, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों को check भी करना है ना कि क्या वो equal हैं, ठीक है. अब क्या है, printf लिया सीधा, उसको user को कहा कि भैया integer वो डालो आप. उसके बाद ओरिजिनल नंबर में क्या डाल दिया, एन डाल दिया. देखो वापस वही बात आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू जाएगी और एन जो यूज़र ने डाला उसको हमने किस में डाल दिया, ओरिजिनल इंटीजर, क्योंकि अब हम एन पे काम करेंगे. तो एन पे काम करना है तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक बार उसको ओरिजिनल इंटीजर में डाल दिया ताकि हमें जब कंपेरिजन करना हो तो हमें दिक्कत नहीं आए, ठीक है. अब हमने एन को डाल दिया ओरिजिनल इंटीजर में, तो हमारे पास ओरिजिनल इंटीजर में क्या है, जो यूज़र ने डाला. अब हम करेंगे reversed integer is stored in the variable, ठीक है. while, अब while loop लगाएंगे, जब तक n not equal to 0 है remainder में क्या आ जाएगा, n mod 10, और reverse integer is equal to reverse integer multiply by 10 plus remainder. मतलब बेसिकली ये वो formula है जिससे हम find out करते जाएंगे, मतलब digits को digits को पीछे से लाते जाएंगे और एक वेरिएबल में स्टोर कराते जाएंगे, मतलब रिवर्स इंटीजर में. तो ये जो तीन स्टेप्स है ना, अगर हमें किसी भी इंटीजर को उल्टा करना है तो ये तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं, और कंडीशन क्या लगानी है, एन नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये याद रखना, ठीक है. अब हमारा ओरिजिनल इंटीजर किस में है, एन में, और रिवर्स इंटीजर किस में है, रिवर्स यानी एन ओरिजिनल नंबर किस में है, ओरिजिनल इंटीजर में, और रिवर्स इंटीजर किस में है, रिवर्स इंटीजर. अब सपोज करो मैंने डाला 1, 2, 3, ठीक है. तो अब इसने कह दिया 1, 2, 3 इज़ नॉट, अब 1, 2, 3 किस में था, ओरिजिनल इंटीजर किस में था, 1, 2, 3 किस में था, ओरिजिनल इंटीजर में, और रिवर्स में क्या था, 3, 2, 1, ठीक है. अब उसने चेक क्या किया, यहाँ तक हमारा वाइल लूप का हो गया काम, ठीक है. अब उसने चेक किया क्या 1, 2, 3 इक्वल टू 3, 2, 1 है. अब इस केस में नहीं है, इस केस में क्या नहीं है, तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया, परसेंटेज डी इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम. अब आप इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हो ना इफ एल्स के और वाइल के, तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा कि हमने इसमें पहले वाइल कंडीशन लगाई, क्यों, ताकि हम उस इंटीजर को रिवर्स कर पाएँ. उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी क्या वो दोनों इक्वल हैं पैलिंड्रोम के लिए, किसके लिए, तो इसमें कितने लूप्स आई, इसमें कितने लूप कंट्रोल फ्लो कंट्रोल्स आए, दो, एक वाइल लूप और एक इफ एल्स लूप, ठीक है. तो अभी मैं एक, ये तो जैसे एक नॉट पैलिंड्रोम का है, एक मैं पैलिंड्रोम वाला एग्जांपल लेती हूँ. पैलिंड्रोम डालती हूँ 10801 ही डाल लेते हैं, चलो. उसने कहा ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि जो उल्टा होके भी आया वो भी सेम था, जो सीधा था वो भी सेम था, तो उसने क्या कह दिया, ये पैलिंड्रोम है. आई होप दिस प्रोग्राम इज़ क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ पैलिंड्रोम, है ना. पैलिंड्रोम क्या है, जो आगे और पीछे सेम नज़र आए, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड स्टूडेंट्स जो कर रहा है, आई नो दैट हु इज़ डूइंग, प्लीज़ नोट्स बनाते जाना स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं. तो अगर आप नोट्स बनाते जाओगे तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियोज यू विल बी एबल टू गेट अ फुल फ्लेज सी कोर्स, है ना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड व्यूइंग एंड अप्रिशिएटिंग, बिकॉज यू आर सीइंग आई एम ऑल्सो गेटिंग मोटिवेटेड. Thank you so much. Love, love. Have a nice day.